अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनुष्ठान हो रहे हैं। देश का माहौल राममय है। भगवान श्री राम का झारखंड से गहरा लगाव रहा है। राजधानी रांची में एक ऐसी जगह है जिसका रामायण काल से गहरा कनेक्शन है। आइए जानते हैं कि किस तरह से भगवान श्री राम से जुड़ा है रांची का मारासिली पहाड़। मारासिली है, मारा पुनीति गांव में आता है, लेकिन पंचायत राजा उलातू है। पंचायत राजा उलातू है, राजा उलातू पंचायत में पड़ता है। ऐसा तो इतिहास है, हम लोग तो भी सुना सुने भी कहेंगे। पूर्वज लोग इन लोग के बोलते थे सब, राय खानदान लोग के, कि मैंने वाल्मीकि जी यहाँ आए थे, तपस्या कर रहे थे, उसी से कि राम राम करते करते, मारा मारा करते करते मारासिली के नाम से प्रसिद्ध हो गए। रामायण काल से इसका इतिहास है। और ये मंदिर जो लोग बोलते हैं कि विश्वकर्मा भगवान के बनाया हुआ मंदिर है, सदयुग जमाना का है बना हुआ मंदिर, तो सब देखते हैं, हम लोग भी आ रहे हैं। वही जैसा था, छोटा मंदिर था पहले से, और ये बाबा जो हैं से अपने से निकले हुए हैं, शंभू हैं ये, इनको स्थापित नहीं किए हैं। एक पत्थर है, एक ही पत्थर है, 230 एकड़ का ही है। कुंड के बारे में तो नौ है यहाँ, छोटा बड़ा सब मिला करके, हाँ नौ कुंड है। एक कुंड तो बहुत बड़ा है, एक तो जो पूर्वज लोग बोलते थे कि सात खटिया की रस्सी डालने के बाद भी उसको गहराई के नहीं नापा गया है। और दूसरा कुंड है कि शिव जी की वो जो यारघा है ना, उसी टाइप पर एक तो कुंड हम लोग का है। मेन हम लोग के दो गो ही कुंड मेन गहराई, बाकी सब छोटा छोटा है। एक तो यहाँ पर बगल में है, जो बोल रहे कि अति से कंसल्ट था जगन्नाथपुरी से जो निकलता था जल उल, एगो ये वाला यहाँ में है, मंदिर जो है रांची का कनेक्शन है इसका। लेकिन अब तो है कि नहीं है तो अब नहीं बता सकते हैं, सब भरा गया, सब 40-50 का ही बेची और सांप है उसमें, बेची भी सांप है, गिनती तो नहीं किया गया है। लेकिन हम लोग सामने बार देखे थे, बहुत सांप निकला था, हम लोग अपना आँख से भी देखे थे, और बच्चा लोग भी वीडियो लोग किया था, वीडियो तो अब देखे होंगे अभी सांप से दिया है, समझ ना, वो मन्नत वाला है, मानसी कहते हैं, मानते हैं उनको, ऐसा हाथ करके तीन कदम चल के आँख बंद करके उसको बंद करते हैं, तो उन लोग के मन्नत पूरा होता है। कहाँ से आए हैं हम लोग? नया टोली सिमलिया से आए हैं, रातू प्रखंड है, थाना भी रातू है, कटहल मोड़ के बगल में है। कैसे सुने इसके बारे में? यहाँ तो हम लोग बहुत पहले से आ रहे हैं, मतलब कोई बुजुर्ग लोग बताया था हम लोग, उस समय से आए थे। तो ये गुफा हम लोग कभी नहीं देखा था, पहली बार देखने आए हैं। हाँ, मतलब इतना आते थे नहीं कि हम लोग को पता नहीं था कि गुफा यहाँ, अभी पूछे तो हम लोग को पता चला कि नहीं यहाँ गुफा है। और साल में एक ही बार पूजा होता है यहाँ पर गुफा में। कौन सा महीना में? माघ पूर्णिमा में होता है। माघ पूर्णिमा में तो मियाँ बीवी दोनों आते हैं। हाँ, हम लोग महिला समिति के थ्रू से काम करते हैं यहाँ। मेरा नाम सरोजनी देवी है, महिला समिति का मने हम अध्यक्ष हैं, वही देख रेख करते हैं कि पहाड़ के ऊपर गंदा, हाँ गंदा ना करे। 22 तारीख के यहाँ अयोध्या में जो उद्घाटन हो रहा है, तो यहाँ पंडित जी के थ्रू हम लोग एक नेता मिले थे कि घर घर बांट दीजिएगा चावल और कार्ड मिला था,
तो बोले कि घर घर में बांट दीजिएगा और शाम को एक जोत जलाएंगे, एक तो घर में भी जलाएंगे और एक मंदिर में भी जलाएंगे। पर्यटक स्थल में तो अभी देखिए कुछ नहीं विकसित है, अभी सरकार से कुछ यहाँ नहीं है। ये हम लोग ये मंदिर इतना जो देख रहे हैं, हम लोग कमेटी लोग ये सब इतना देखभाल कर रहे हैं, बना रहे हैं, कर रहे हैं। हाल ही सांसद फंड से ही हम लोग विवाह मंडप मिला, ये गेट मिला है, यही हम लोग के सरकार की तरफ से वह दो ठो मिला है और यहाँ उसका कुछ सरकार से नहीं है। भीड़ तो देखिए संडे का छुट्टी का दिन है, बहुत ज़्यादा रहता है उस दिन, शनिवार को भी रहता है या जब जब छुट्टी होता है तब तब भीड़ बराबर रहता है। और ऐसा ऐसा आदमी कार्तिक पूर्णिमा तो करना ही नहीं है, उसको भीड़ होबे करता है। शिवरात्रि में हम लोग को बहुत भीड़ होता है, सावन में बहुत भीड़ होता है, वो कहने योग नहीं। वो आपको कुंड से उपार हो जाता है लाइन, हम लोग का खाली आदमी आपको नजरे यहाँ पर आएंगे, बहुत काफी भीड़ होता है। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।